मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, और गुजरात को विजयी बनाने वाले मेरे गुजरात के कोटि कोटि बंधु भगिनी, लोग पीछे बैठे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि मीडिया को अपना काम करने दीजिए। आप मुझे भली भांति जानते हैं, आज उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग बैठिए, नहीं बिकता है तो सिर्फ आवाज सुनिए मेरी। जैसे चुनाव में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थकते हैं, वैसे ही चुनाव में मीडिया के मित्रों को भी बड़ी थकान रहती है, बहुत भारी काम रहता है उनको भी, और इसलिए उनके प्रति भी आप लोग प्रेम और उदारता बरतें, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। भाइयों बहनों, अब सुनना ही होगा आपको, बैठिए प्लीज, बैठिए। आप लोग आगे वाले खड़े हो जाएंगे तो पीछे क्या होगा, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। कभी यहां से आवाज शुरू होती है, कभी यहां से होती है। भाइयों बहनों, गुजरात के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन चुनाव के नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश की जनता, इस देश का मतदाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको भली भांति समझता है। और जब जनता को स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का अवसर आता है, तब हर किसी की सोच के ऊपर उठ करके, बहुत ही ऊंचाई के साथ और भविष्य को नजर में रखते हुए मतदाता निर्णय करता है। गुजरात के चुनाव नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र की इस लंबी प्रक्रिया के दरमियान गुजरात का मतदाता कितना मैच्योर हुआ है, सारे लोग लालच से ऊपर उठ करके भांति भांति के जहर से ऊपर उठ करके अगर मेरा गुजरात का भला होगा तो कल मेरा भी भला होगा। ये छोटी चीज नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एक सादा सीधा वाक्य रखा था, एक मत गुजरात,
पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी ऐसे सरल वाक्य का अर्थ समझ नहीं आया था, न वो स्पाइसी था, न वो किसी के खिलाफ था, हल्का फुल्का विचार रखा था। और जैसे कमल के फूल को लोगों ने उठा लिया, उस मंत्र को भी लोगों ने उठा लिया। देश के पॉलिटिकल पंडितों को समझना होगा कि गुजरात ने 80 के दशक के जातिवादी जहर को और उसके दुष्परिणामों को भली भांति देखा है, अनुभव किया है और उसके कारण गुजरात के मतदाता गुजरात में कभी भी वो 80 के दशक का हाल नहीं चाहते हैं। गुजरात के मतदाता भाई एक मिनट एना बात भाई एना माटे सुना टाइम बगाड़ो अने तो दर वक्त हुआ है प्लीज कम भाइयों बहनों गुजरात के मतदाता क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं, जातिवाद के जहर से ऊपर उठ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना यह हमारे मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया है। भाइयों बहनों जो लोग भांति भांति के समीकरण लगाते थे और देश में एक परंपरा बनी थी कि सरकारों का काम आना और जाना है, एक सरकार आएगी वो 5 साल रहेगी फिर दूसरी आएगी वो 5 साल रहेगी, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता था। लेकिन अब जनता सरकारों को जवाबदेह बनाती है, बार बार जिम्मेवारी देकर के उसके काम का हिसाब मांगती है। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, बार बार सरकारें चुन करके आती हैं, तब शासन में बैठे हुए राजनीतिक दल की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये लंबी सोच का काम वो ही मतदाता करते हैं जो काफी मैच्योर हुए होते हैं। मैं गुजरात के मतदाताओं को इस बात के लिए लाख लाख कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, मैं गुजरात के मतदाताओं को वंदन करता हूं कि उन्होंने हर लुभावनी बातों को ठुकरा दिया। साल डेढ़ साल से चल रहे लगातार झूठ को मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन मैनिफेस्टो को ब्राइब में कन्वर्ट करने के बावजूद भी लोग उससे मोहित नहीं हुए और इसलिए सारे देश के पॉलिटिकल पंडित जब आज गुजरात की चर्चा कर रहे हैं, वे नरेंद्र मोदी की जितनी चर्चा करनी है करें, सालों से करते आए आगे भी करते रहे, लेकिन अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। अगर चर्चा करनी है तो उनकी कीजिए, यस देना है तो उनको दीजिए और कुछ सीखना सिखाना है तो मेरे गुजरात के मतदाताओं से सीखिए।